जी, सेवेंथ क्वेश्चन देखो। कॉपर वायर इज हेल्ड एट टू एंड्स बाय अ रिजिड सपोर्ट, बाय अ रिजिड सपोर्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस, एट 30 डिग्री सेल्सियस द वायर इज जस्ट टॉट विद निग्लिजिबल टेंशन। ये वायर है, इसमें एक थर्मल का कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझ लो पहले कॉन्सेप्ट के। जब भी ऐसे कोई वायर या रॉड आपने फिक्स कर दी दो एंड्स के बीच, ठीक है जी, तो अगर मैं उसको हीटअप कर रहा हूँ या उसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ, तो वो क्या करेगी भाई, एक्सपैंड है, लेंथ एक्सपेंशन होगी भाई। रॉड है तो, वायर है तो भी लेंथ ही एक्सपेंड करेगी। हीटअप कर रहा हूँ तो यहां पर फोर्स लगेगा वायर का, क्योंकि रिजिड सपोर्ट है तो इसको जोर तो लगाएगी, वो एक्सपेंशन होगी। तो वो जो जोर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल आप कह सकते हो स्ट्रेस जनरेट कर रही है, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, यंग मॉडुलस क्या होगा इस केस में, थर्मल स्ट्रेस बाय थर्मल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या रहेगा, इंक्रीज इन लेंथ थर्मल में, डेल्टा एल का फॉर्मूला, सो डेल्टा एल एन प्लस एल अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा। नई लेंथ का आपने सही बोला, न्यू लेंथ जो होती है एल डैश एल प्लस एल अल्फा डेल्टा, जो आपने फार्मूला बोला वो भी ठीक है। पर एक्सपेंशन क्या होगी, डेल्टा एल क्या होगी, ये एक्सपेंशन है एल अल्फा डेल्टा, तो डेल्टा एल बाय एल क्या आ जाएगा मेरा इसमें, अल्फा डेल्टा थीटा। ये क्या है भाई, थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय एल क्या था भाई, स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था, यहाँ हीट से हो रहा है तो इसलिए इसका नाम क्या बन गया, थर्मल स्ट्रेन। तो डेल्टा एल बाय एल की वैल्यू आ चुकी है, वाई क्या आ गया जी, थर्मल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कितना हो गया भाई, अल्फा डेल्टा थीटा स्ट्रेस वाई अल्फा डेल्टा, वाई अल्फा डेल्टा, समझ आई बात जी की नहीं। वायर में एक फार्मूला लग रहा है तो मैं क्या फार्मूला लग रहा है, तुम्हें एक वायर में V इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय डेंसिटी भी कर सकते हो, ये स्ट्रेस है। अगर मैं लगाना चाहूँ सेवेंथ क्वेश्चन में, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकता हूँ, वाई अल्फा डेल्टा थीटा बाय डेंसिटी। ऑब्जेक्टिव बुकलेट में ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला भी है, ठीक है जी। एक दो फार्मूले और हैं स्प्रिंग के साथ, लिख लूंगी ये कॉन्सेप्ट अगले क्वेश्चन में, यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है। देखो जी फिर से हम चैप्टर वैसे ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल ही में है, बाकी दो न्यूमेरिकल अब इसके भी मैं साथ के साथ ही करवा दूंगा, ठीक है जी। ऑसिलेशन के सारे डिस्कस कर देंगे, दो लेक्चर में खत्म हो जाएंगे। अगर आप पढ़ के आना भाई फार्मूले, ये ना होगी कहीं फिर सर बोलेंगे उन्होंने तो कुछ आता ही था, कल बड़ा बुरा सा लगेगी फील होता है मुझे भी। सर, कल से लगेगी क्लास भी। कल तो 10 से 11:30 बजे ट्रांसमिशन ऑफ हीट करा रहे हैं वो, आओ भाई ऑनलाइन लगानी है ऑनलाइन लगा लो। हरजोत जी आपकी ड्यूटी है, हनी जी आपकी ड्यूटी है, याद रखना सर जो लिंक प्लस टू वाले में भेजेंगे वो वाला लिंक आपको प्लस वन वाले ग्रुप में ट्रांसफर कर देंगे। वैसे मैं भेज दूंगा अभी, वही सेम ही लिंक रहता है, ठीक है जी। रिवीजन हो जाएगी, थर्मोडायनेमिक्स भी कराएंगे इसके बाद, केटीजी भी सुबह सुबह अगर आप रिवीजन करना चाहें उनके साथ रिवीजन हो जाएगी सर।
यहाँ आके लगाना चाहो, यहाँ आके लगा लो जी 10 से 11:30। ट्यूसडे ऑल्टरनेट तो आना ही है, क्योंकि 11:30 बजे आपकी फिर क्लास है ऑसिलेशंस की, न्यूमेरिकल। मुझे आज पहले वैसे तो अभी 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, जाना है आप चले जाओ। हाँ जी, 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। कॉपर वायर इज हेल्ड एट टू एंड्स बाय अ रिजिड सपोर्ट एट 30 डिग्री सेल्सियस। द वायर इज जस्ट टॉट विद निग्लिजिबल टेंशन, मतलब टेंशन जीरो है। फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है जी, तो देखो जी, सब कुछ गिवन है, अल्फा गिवन है, यंग मॉडुलस गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 130 दे रखा है, थीटा 210 दे रखा है, डेल्टा थीटा क्या आ जाएगा, 30 माइनस 10 20। वेलोसिटी का फार्मूला, यंग मॉडुलस क्या गिवन है, वाई की वैल्यू क्या है भाई, यंग मॉडुलस 1.4 × 10 की पावर 11। क्वेश्चन में ध्यान दे प्रभु, अल्फा अल्फा क्या है जी, 10 की पावर -5। डेंसिटी क्या दे रखी है, 9 × 10 की पावर 3। बस वैल्यू डाल दो जी यहाँ पर। ये देखो जी, पूरा ड्राइव करके दिखा दिया उसने, अलग अलग स्टेप में करा है, हमने एक ही स्टेप में दिखाया आपको कैसे ये फार्मूला बन गया स्ट्रेस, क्योंकि वी इसका फार्मूला एक वहां पर मैंने पढ़ाया था, क्या था, स्ट्रेस बाय डेंसिटी। तो वाई की वैल्यू 1.4 × 10 की पावर 11, अल्फा की वैल्यू 1.7 × 10 की पावर -5, 9 × 10 की पावर 3। डेंसिटी तो नीचे आना था, टेम्परेचर आना था यहाँ 20। धन्य जी, सॉल्व कर लेंगे। चलें जी आगे। हाँ देखो जी, अनसॉल्व करने हैं, इसके भी 5 पिछले भी थे, अगला 8th से लेके 19th तक सॉल्व क्वेश्चन करने हैं जी सारे। अब आ जाओ, जेई के 2 क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर टाइम बचेगा क्योंकि जल्दी हो गया काम, तो मैं ये 8th वालों में से भी कोई टफ होंगे तो 19th तक वो भी करा दूंगा अभी। निकालो जी फाइल भेजी हुई सुबह ही, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। क्वेश्चन नंबर 4th करा जाएगा। थर्ड भी वैसे मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। हाँ भाई, तो ये अब रात को कम बात करी हमारा ग्रुप। नहीं सर, आज फिर प्रैक्टिकल था, फिर उसकी फाइल बना, अच्छा ना, फिर सुबह सुबह 6 बजे हमें तो ऐसी खबर मिलती है कि 4-4 बजे तक बंदा बातें मारता है। ना ना हैं ना सर, ऐसे
खबर ही तो यही बता रहे भाई। खबर ही बैठा साइड पे ये मैं तो ना नॉन मैंने नहीं नहीं वो रहा खबर था खबर ही एब्सेंट है लैक 4 बजे तक ऑनलाइन रहता है भाई। जो क्या करेगा हाँ सर 4 बजे तक फोन भी नहीं चलाया पर आंखें जला रखी है अच्छा जब कॉल भी रोक चलो अच्छा ऑफ भाई इतना सुन के ना लगा दिल बड़ा। सारे स्पोर्ट उड़ते क्वेश्चन देखो। स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ, स्टील वायर मास पर यूनिट लेंथ 7 × 10⁻³ के जी पर मीटर टेंशन दे रखी है 70 न्यूटन। अभी क्या है स्पीड का फार्मूला? टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। जेई में है भाजी आपके सामने है फरवरी 1, 2023 एस एल के ये क्वेश्चन था ऐसा क्वेश्चन भाई। ठीक ठीक है जी हो जाएगा। हंड्रेड मीटर पर सेकेंड आ गया। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। और अ सॉलिड रॉड यंग मॉडुलस दिया हुआ है, वाई दे रखा है जी। यंग मॉडुलस दे रखा है 3.2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर और डेंसिटी दे रखी है 8 × 10³ केजी पर मीटर क्यूब। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ रॉड। रॉड में लॉन्गिट्यूडनल वेव में फार्मूला क्या था? अंडर रूट यंग मॉडुलस बाय रो। सेम क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन नंबर 9th एस एल अरोड़ा का यंग मॉडुलस दे रखा है 2.9 × 10⁻¹। क्वेश्चन नंबर 9th देख लो जी पेज नंबर 15.10 पे सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th 15.10 पेज पे बिल्कुल सेम चीज है। फॉर अ स्टील रॉड यंग मॉडुलस गिवन है, डेंसिटी गिवन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन स्टील रॉड। अंदर रूट 0.4 × 10⁻¹। हाँ जी 3.2 × 10⁻¹ 8 × 10³ ये 8 आ गया, ये 0.4 आ गया, ये 40 अंडर रूट 6 हो गया। 40 का रूट होता है 6.32। डी ऑप्शन है जी इसमें। ठीक है जी सेम क्वेश्चन एसएल में दिया हुआ है। 8th भी आसान है एसएल का, 10th भी, 9th, 10th, 11th, 9th ये सब पढ़ के आना जी। ठीक है जी करके आना है। अब आ जाओ अगली एक्सरसाइज 12th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12th ये पेज नंबर 15.12 पे लोग कर लो जल्दी से। एक जेई का क्या और भी आसान क्वेश्चन है, ये थर्ड वाला भी कराया हुआ लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास में लास्ट वाला कराया था एग्जाम्पल में, डेंसिटी के लिए एग्जाम्पल दिया था कराया तो था पता। अब देखो ये आ गया इतना आसान क्वेश्चन, बच्चे को होना चाहिए वहां तो, हम तो उम्मीद करते ही है ना जी, पर ये होते नहीं है वहां, वो याद ही नहीं अब तक कब कॉन्सेप्ट हुआ था। हो गया जी रब। चलो जी पहला 12th क्वेश्चन करेंगे फिर ये जेई वाला भी थर्ड भी करा दूंगा अभी। एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इज विल बी डबल्ड इट्स वैल्यू एट 273।
वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। वी वन अगर वी है तो वी टू डबल है, वी टू बाय वी वन इज इक्वल टू अंडर रूट टी टू बाय टी वन, टू वी बाय वी इज इक्वल टू रूट टी टू बाय टी वन, बी से बी कट गया, फोर इज इक्वल टू टी टू बाय टी वन, टी टू इज फोर टाइम्स टी वन, टी वन कितना है 273, आंसर आ जाएगा 1092 केल्विन। हाँ जी अगला क्वेश्चन 13। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है ये क्या होता है? अच्छा रुके जी, चले आगे। अ ट्यूनिंग फोक, क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्यूनिंग फोक ऑफ फ्रीक्वेंसी 220 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस साउंड वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.5 इन एयर एट एस टी पी। कैलकुलेट द इंक्रीज इन वेव लेंथ वेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज 27 डिग्री सेल्सियस। वेव लेंथ में क्या इंक्रीज आया जी? ठीक है जी, पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कितनी इंक्रीज हो गई। पहले तो क्या निकालना पड़ेगा जी? वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कितनी इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, वहां से वेवलेंथ निकालनी पड़ेगी। यही फार्मूला लगना है। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। पहले टेम्परेचर क्या है जी? 273 एसटीपी पे, एट एसटीपी। बाद में टेम्परेचर टी टू क्या है? 273 प्लस 27 300 केल्विन। वी टू बाय वी वन क्या आ जाएगा? अंडर रूट 300 बाय 273। वी वन की वैल्यू दी नहीं हुई पर एस टी पी पे याद रखनी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड 331 332। ज्यादा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसने रूट 330 मान लीजिए एस टी पी पे। निकाल भी सकते हो, फ्रीक्वेंसी 220 दे रखी है, लैम्डा भी दे रखी है वहां पर 1.5, तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है।
220 × 1.5 330। V2 निकाल सकते हैं यहां पर, तो बता पाएंगे। हाँ चलिए ठीक है। हाँ जी, वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, वेवलेंथ लैम्डा 2 ले लो, तो अंडर रूट 300 ये सॉल्व करना पड़ेगा बाय 27, 273, 330, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 220, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, लैम्डा 2 क्या आ जाएगा, 3/2 अंडर रूट 300 बाय 273। सॉल्व करके इसमें आपको वैल्यू आ रही है जी 1.57। चेंज इन वेवलेंथ पूछा था, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, 1.57 माइनस 1.5, 0.07 मीटर आ गए जी। हाँ हो गया जी, 14th क्वेश्चन करो जी। फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल इन हाइड्रोजन विद द सेम वेलोसिटी एज इट ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन 1000 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम। सेम वेलोसिटी चाहिए जी, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या रहेगा जी, γRT/m होता है वैसे तो फार्मूला, मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है जी। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर पे वेलोसिटी निकाल लो, इस टेम्परेचर पे इसकी वेलोसिटी क्या है, फिर वहां पर डेंसिटी के साथ रिलेशन, चलो अगर हम बात करें सीधा इसको लेके देखते हैं, इस बार शॉर्टकट लगा के देखते हैं, मास को क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, बुक में तो लेंथ ही मेथड है, अगर शॉर्टकट लगा के देखें तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर अपॉन रो, ऑक्सीजन का टेम्परेचर कितना दे रखा है 1000, ठीक है जी, डेंसिटी कितनी दे रखी है 16 टाइम्स, 16 टाइम हाइड्रोजन, ये टेम्परेचर हमें निकालना है। हाँ भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, मास वॉल्यूम डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। मैं डेंसिटी भी कैसा हुआ, कई दिन से रेस्ट नहीं, मैं कह चलो मेरी सी गलती हो गई, हो सकती है ना।
हाँ जी देखो जी, शॉर्टकट से निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर ये लॉन्ग कट समझाएंगे आप, पर इसका तो माइनस में आ रहा है। हाँ जी, 2 1 2 7 3 डिवाइडेड बाय 16 79.56, अंडर रूट से अंडर रूट कट ही जाएगा। ठीक आ गया, सीधा ही आंसर आ गया। स्केलिंग बोथ साइड, t इज इक्वल टू 273/16, 79.56। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, पता नहीं बुक में क्या करूंगा। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट पे गए जी। v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू डेंसिटी। ठीक है जी, दोनों वेलोसिटी सेम बता रखी है भाई, डेंसिटी का रिलेशन बता रखा है, तो रो एच से रो एच कट गया, स्केलिंग बोथ साइड। ये आ गया जी, कैल्विन से डिग्री में निकालना है, तो 79.56 कैल्विन था, -273 कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ रहा है -193.44। डन है जी, बाकी आसान ही क्वेश्चन है, ऐसे ही ये सारे करके लाने हैं। ठीक है जी, यहां तक सारा 15.15 पेज तक सारा कवर अप करें आज के लिए।